दोस्तों सूजी का हलवा अगर आपको हर बार परफेक्ट बनाना है तो उसमें सूजी की जो भुनाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस रेसिपी में आप ये देखना कि सूजी को मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से भुना है और रिजल्ट ऐसा है कि एकदम दानेदार हलवा बना है। तो अष्टमी या नवमी में या घर में जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये बनाना बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सूजी से, आपने सूजी कौन सी लेनी है? मैंने दोस्तों यहाँ पर दो सूजी रखी है, एक है ये फाइन वाली सूजी और ये है नॉर्मल रेगुलर सूजी। आप ध्यान इस बात का देना दोस्तों कि आपने रेगुलर वाली सूजी लेनी है, ये वाली। इसके दाने थोड़े मोटे हैं, जब हम इसको पकाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये जो दाने हैं सूजी के ये और भी ज्यादा फूल जाएंगे, सारे फ्लेवर को अपने अंदर इंटैक्ट रखेंगे। यही अगर आप फाइन वाली सूजी का यूज करोगे तो वो फ्लेवर को ज्यादा इंटैक्ट नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो जो छोटे छोटे दाने हैं ना वो ज्यादा फूल नहीं पाएंगे। तो जितनी दानेदार सूजी का हलवा होगा उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। सूजी के हलवे में कॉम्बिनेशन एकदम सेट है। अगर आपने एक कप सूजी ली है तो एक कप आपको घी लेनी है, उसके साथ साथ एक कप ही आपको चीनी लेनी है, साथ में मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं थोड़े से, और ये जो है ये फ्लेवरिंग एजेंट है जो कि है जायफल, कुटी हुई इलायची, और साथ साथ मैंने आधा कप दूध में थोड़ा सा केसर डाल के रखा है। बस यही चीजें चाहिए दोस्तों, और अब शुरू करते हैं एकदम परफेक्ट सूजी का हलवा बनाना। मैंने वैसे आपको काफी सारे तरीके दिखाए हैं, लेकिन घर पे जो मैं तरीका यूज करता हूँ दोस्तों वो ये है कि मैं एक लोहे की कढ़ाई लेता हूँ और उसमें सबसे पहले सूखे में भूनता हूँ सूजी को। अगर मैं आपको सूजी का शुरुआत का वेट दिखाऊं, मैंने एक कप सूजी ली है जो कि है 125 ग्राम, लेकिन आप खुद ही देखना थोड़ी देर भुनाई करने के बाद सूजी का वेट जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल आप एकदम लो फ्लेम पर आराम आराम से सूजी को भुनना। लोहे की कढ़ाई का ये फायदा होगा कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बहुत देर तक गर्म रहेगी और एकदम स्लो कुकिंग हो पाएगी। आप खुद ही देखना थोड़ी देर में सूजी के जो दाने हैं उनका रंग ही बदल जाएगा और सूजी का जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वो आप ये देखो थर्मामीटर से 100 डिग्री के ऊपर भी पहुंच चुका है, यानी बिना कुछ घी डाले बिना कुछ डाले 100 डिग्री के आसपास है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो यही जो दाने हैं वो एक्चुअल में थोड़े से फूल चुके हैं बिना कुछ पानी डाले, सिर्फ भून के। सही में दोस्तों ये ही है असली फर्क, और आप खुद ही देख लो कि थोड़ी देर भुनने के बाद सूजी का वेट जो है 125 से 120 ग्राम हो गया। अब बोलोगे कि ये वेट लॉस कैसे हो गया सूजी का, ये ट्रिक तो हमें भी सीखनी है। बेसिकली लॉजिक दोस्तों ये है कि जो नॉर्मल वातावरण में सूजी होती है वो पानी बहुत पीती है, तो वो हवा से भी जो मॉइस्चर होता है उसको भी एब्जॉर्ब करती है, और ये थोड़ा सा भुनने से क्या होता है कि स्टार्च एक बार पक तो जाता है लेकिन जितना एक्सेस मॉइस्चर होता है वो भी गायब हो जाता है। मेथड को आपने उपमा में भी देखा होगा। और अब आप दाने ध्यान से देखो, ये यही वाले रेगुलर वाले दाने ही हैं, लेकिन ये एक एक दाना हल्का सा फूल चुका है। तो अब क्या करना है आपने, आपने सूजी को निकाल कर इनको रेस्ट करना है साइड में थोड़ी देर के लिए ताकि ये पूरी ठंडी हो जाए। जितनी देर में सूजी ठंडी हो रही है उतनी देर में उसी कढ़ाई में अब थोड़ा सा घी डालना और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर किशमिश नहीं डाली है, किशमिश में सारे काजू पिस्ता बादाम रोस्ट करने के बाद ही डालता हूँ, और मैं हमेशा ना ऐसे पूरे पूरे रोस्ट करता हूँ ताकि मेरा घी बिल्कुल भी गंदा ना हो। अब इसी गरम गरम घी में आप किशमिश डाल देना और हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेना। ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल कर मैंने साइड में रख दिए हैं ताकि ठंडे हो जाएं, और बाद में इनको आराम से चॉप कर लेंगे। आप करते हैं दोस्तों सूजी की दूसरी भुनाई। पहली वाली भुनाई में हमने स्टार्च को एक बार पकाया और उसमें हल्का सा फ्लेवर डेवलप किया, और अब आएगा असली फ्लेवर। क्यों? क्योंकि हम बाकी बचा हुआ घी डालेंगे और उसमें सूजी डालेंगे, और अब एकदम मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से आपने सूजी को रोस्ट करना है। लोहे की कढ़ाई का दोस्तों रिजल्ट सच में बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास हो तो आप उसमें ही बनाना। आराम आराम से आप रोस्ट करते जाना, और एक्चुअल में इस टाइम पर सूजी के अंदर ये हो रहा है कि और भी हीट डेवलप हो रही है और ज्यादा रंग तो आएगा सूजी में, लेकिन जो घी है ना वो एक एक सूजी के दाने को और फूलने में मदद करेगा और सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप खुद ही देखो टेम्परेचर कितना ऊपर जा चुका है। बस अब सूजी में बहुत ही बढ़िया रंग आ चुका है, तो आप यहाँ पर अब 3 कप पानी डाल देना। जिस कप से आपने सूजी ली है उसी कप से आपने पानी डालना है, और ये देखो अब आप सूजी के दाने अच्छे से फूल जाएंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद पानी जैसे ही सेट हो सूजी अच्छे से फूल जाए, फिर आप चीनी डालना इस टाइम पर, और चीनी के साथ एकदम लिक्विड ही हो जाएगा आपका हलवा। ये देखो आप दोस्तों धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप इसको और पकाओगे वैसे वैसे ही अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा और दानेदार हो जाएगा। इस टाइम पर चीनी के साथ आप यहाँ पर केसर वाला दूध भी डाल देना,
और बस एकदम मीडियम फ्लेम पर आराम से आप इस हलवे को सेट होने देना। हलवा एक्चुअली बन चुका है तो बस आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट काट कर डाल देना, जायफल घिस के डाल देना और इलायची भी डाल देना एकदम एंड में। दोस्तों आप इसको जितना ज्यादा पकाओगे उतना ज्यादा हलवा ड्राई हो जाएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा शुरुआत में आप हलवे को इतना ही पकाना, उसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना, क्योंकि पड़े पड़े ये होगा कि हलवा अपने आप ही और गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, आराम से 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देना और फिर आप देखना एकदम दानेदार सूजी का हलवा बनेगा। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं इसको एक चम्मच से ऐसे दिखाऊं ना दोस्तों, मैं एक एक सूजी का दाना पकड़ सकता हूँ और वो एक एक दाना सूजी का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर, चीनी का फ्लेवर, ये सारी चीजें अपने अंदर डाल कर बैठा है और यही तो खास बात है दोस्तों। अष्टमी और नौमी में बहुत बढ़िया सा हलवा तो हो गया, लेकिन बढ़िया से काले चने भी तो बनाने हैं ना। तो दोस्तों आप ये वाले काले चने की रेसिपी देखना, आपके बहुत काम आएगी।